प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां से देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं आपके अंग्रेजी विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का आपका अंग्रेजी विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होगा और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आप लोग देख सकते हो ए टू जेड सारे के सारे क्वेश्चन आज मेरे द्वारा बताए जाएंगे, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखकर जरूर जाएं। तो देखिएगा, बोर्ड परीक्षा 2023-24 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि कक्षा 12वीं के लिए है। इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। यहाँ से आप लोग देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 का आपका अंग्रेजी का मॉडल क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होगा और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि आप लोग यहाँ को देख सकते हो सेक्शन ए दिया गया है। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, जिसमें कि क्या लिखा है। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिएगा, यहाँ से आपको इस पेसेज को पढ़ना है और पेसेज को पढ़ने के बाद में फिर आपको इनके उत्तर दिखने हैं। तो देखिएगा, आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले इस पेसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है पूरा, और पढ़ने के बाद में फिर हम इसके उत्तरों को देखेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ये प्रश्न दिए गए हैं, आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को समझना है। व्हाट इज द 3rd मैजिकल मंत्र डिस्कवर्ड बाई इंडियन वुमन। तो देखिएगा, ऐसे कौन से 3 मंत्र जो कि इंडियन वुमन्स के द्वारा डिस्कवर किए गए हैं। तो देखिएगा, आपको इसी पेसेज में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। और तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये तो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके कि उत्तर आपको पेपर में जो पेसेज दिया गया है इसको पढ़कर देने होंगे। और बाकी के जो आपके क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, जिसमें कि आपको एक और पेसेज दिया गया है, और इस पेसेज को पढ़ने के बाद में फिर आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हेन डिड गांधी जी वाइफ एस्केप डेथ थ्रोट सीरियस इलनेस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिएगा, फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका बी नंबर का आ जाएगा, ड्यूरिंग सत्याग्रह। ड्यूरिंग सत्याग्रह प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा। उसके बाद में सेकंड नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कि क्या लिखा है। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द कस्तूरबाई एट द सेकंड टाइम व्हेन ही एस्केप्ड डेथ। तो देखिएगा, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आपका डी नंबर का आ जाएगा, ये वाला, टू वीक टू सीट अप ऑन द बेड। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड द डॉक्टर वांट टू गिव कस्तूरबाई व्हेन हर कंडीशन बिकम्स वर्स्ट। तो देखिएगा, जब कस्तूरबाई की कंडीशन खराब हो गई तो डॉक्टर के पास में गई, ऐसा कुछ इसमें बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बीफ एंड मिंट टी। तो देखिएगा, बीफ टी ओनली और इसके बाद में मिंट कॉफी नॉन ऑफ दिस। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा गया ना, इसका उत्तर आपको लिख लेना है बीफ टी ओनली। तो देखिएगा, ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख लें और इसको नोट कर लेंगे। और उसके बाद में चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, टू सेव द पेशेंट्स लाइफ डॉक्टर माई डिसीव हिज। तो देखिएगा, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका क्या आ जाना है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, टू सेव द पेशेंट्स लाइफ टू ए डॉक्टर डिसीव हिज। तो देखिएगा, ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन दिया है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका सी होगा। यहाँ से देख लें आप लोग, बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर होगा। तो देखिएगा, सी नंबर के क्वेश्चन को आप लिख लेंगे, ये इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से हमने देख लिया। और उसके बाद में पाँचवें क्वेश्चन को देखते हैं, पाँचवें क्वेश्चन में क्या लिखा है, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग अपोजिट टू नॉट अचीव व्हाट यू वांट। तो देखिएगा, पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। तो पाँचवें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा ये, सक्सेसफुल। और छठे क्वेश्चन को देखते हैं, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द सिनोनिम्स ऑफ द फीलिंग ऑफ फियर ऑफ वरी। तो देखिएगा, छठे नंबर का जो क्वेश्चन है ना प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका ये आ जाएगा, ये वाला बी नंबर का। आप लोग देख लें यहाँ तक का और समझ लें। और उसके बाद में देखिएगा, सेक्शन बी जो दिया गया ना यहाँ पर, सेक्शन बी में हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं, क्या लिखा है। सपोज यू आर अरविंद, यानी कि आप सोचिए कि आप अरविंद हो, स्टडिंग गवर्नमेंट इस सीनियर सेकेंडरी स्कूल
जूनागढ़। तो देखिएगा, आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूनागढ़ में पढ़ते हो एज यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन, और आप जो है सेक्रेटरी हो स्टूडेंट यूनियन के, और आपको क्या करना है, राइट ए नोटिस टू टेलिंग अबाउट द चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 15 नवंबर 2023, यानी कि 14 नवंबर 2023 को आपको चिल्ड्रंस डे बनाने के लिए आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको एक नोटिस बनाना है। तो देखिएगा, नोटिस मेकिंग आप लोग सीख लेंगे, और उसके अथवा में आपसे क्या पूछा जाएगा, मिसेस आर पी वर्मा सन जिग्नेश हैज रिटर्न टू इंडिया आफ्टर कंप्लीट हिज एमबीए फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फॉर दिस ही इज ऑर्गेनाइज्ड ए गेट टुगेदर ऑन 15 नवंबर 2022 8 PM हिज रेसिडेंट, यू आर मिसेस संतोष गर्ग ऑन ऑफ द फ्रेंड ऑफ द मिसेस वर्मा। तो देखिएगा, मिस्टर वर्मा की आप क्या हो, फ्रेंड हो, यू हैव रिसीव द इन्विटेशन ऑफ सेम ब्राइट टू इन्फॉर्म यू आर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, यानी कि आपको एक पत्र प्राप्त हुआ है इन्विटेशन, तो इन्विटेशन लेटर को एक्सेप्ट करने के लिए आपको एक पत्र लिखना है। तो देखिएगा, आप लोग इसको देख लें, और उसके बाद में देखिएगा आगे क्या पूछा गया है, ओम अनगद इज रिपोर्टेड ऑफ द लोकल न्यूज़ पेपर ही विटनेस ऑफ फूड पॉइजनिंग इन ए मैरिज डिनर एट द डिसाइडेड ए प्रेजेंट रिपोर्ट इन द ब्राइट ऑफ रिपोर्ट। तो देखिएगा, आपको एक रिपोर्ट बनानी है इस तरह की, जो कि आपको समझ में आ गई होगी। और उसके अलावा प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर लिखा ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी। तो देखिएगा, जो पैसेज दिया गया ना, इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। द टेस्ट ऑफ द ग्रेट बुक इज वाट एवर, तो देखिएगा वी वॉन्ट टू रीड इच वंस ऑफ मोर देन वंस। तो देखिएगा आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थी, उसका हिंदी में अनुवाद करना है। और उसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे। और सेक्शन सी में आपसे क्या पूछा जाएगा, सेक्शन सी में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप सभी लोग इसको देख लें। चलिएगा, हम क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन को देखते हैं, आप सभी लोग इनको हल करके देख लीजिएगा। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में पहला क्वेश्चन, ही इज जूनियर टू मी। तो देखिएगा, इस जगह पर आपको टू लिख लेना है। सी डिड नॉट एग्री विद मी, तो देखिएगा इस जगह पर आपको विद लिख लेना है। द ओनर ऑफ द शॉप हैज हिज टू सर्वेंट, तो देखिएगा टर्न आउट इसका उत्तर होगा, यानी कि निकाल दिया, यानी कि दुकान के मालिक ने दो नौकरों को निकाल दिया, ये इसका मीनिंग होगा। अब इसके बाद में चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, द प्रिस्नर फ्रॉम हिज गार्ड, तो देखिएगा ब्रोक अवे ब्रोकन, तो देखिएगा ब्रोक अवे इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब इसके बाद में देखिएगा सेक्शन डी लिखा है, सेक्शन डी को भी आप लोग देख लेंगे और समझ लेंगे। तो देखिएगा सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिएगा यहाँ से आपको प्यारे विद्यार्थी उसको पढ़ना है और पूरा का पूरा इसका उत्तर लिखना है। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप लोगों को इन क्वेश्चंस को हल कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 ये लिखा है, जिसमें कि क्या लिखा गया है देख सकते हो यहाँ से, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 18 वर्ड। देखिएगा ये जो क्वेश्चन लिखे ना, इनके आपको 80 शब्दों में उत्तर लिखने हैं, तो आप लोग देख लें यहाँ से। ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चन मैंने बताया ना प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से इनको तैयार कर लें अच्छे से और पूरा का पूरा समझ लें। और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 18 वर्ड, और इसके बाद में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 और 25 वर्ड्स। तो देखिएगा सभी के सभी जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आप लोग इनको देख लेंगे और पूरा का पूरा याद भी कर लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैंने पूरा आपका क्वेश्चन पेपर बता दिया, जो कि एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।